हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे। तो सभी भक्तों का मैं स्वागत करूंगा जो आज एकत्रित हुए हैं भागवतम कथा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना मूल्यवान समय जो है निकाल के भागवत कथा सुनने के लिए जुड़ रहे हैं। तो आज का दिन जो है बताया जाता है काफी शुभ है, क्योंकि आज के दिन पे जो है दो तीन महान जो है गंगा जी का आज का जो है प्राकट्य का दिन है, और एक गंगा माता गोस्वामी जो है उनका भी जो है आज प्राकट्य का दिन है, अपीयरेंस डे है। और हमारे बलदेव विद्याभूषण जो हमारे परम आचार्य हैं उनका तिरुभाव है। तो ये तीन जो है गंगा जी का उत्पत्ति और गंगा माता जो है उनका बारे में बताया जाता है, उनका भी आज अपीयरेंस डे है। और तीसरा बताया जाता है बलदेव विद्याभूषण का जो है तिरुभाव है। तो बलदेव विद्याभूषण हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, और बलदेव विद्याभूषण बताया जाता है कैसे उन्होंने विशेष रूप से जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो है भक्ति की स्थापना में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और प्रभुपाद जी भी बलदेव विद्याभूषण के जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने जो मदद किया है उसके लिए जो है वो भी आभारी हैं। उन्होंने अपने किताबों में भी लिखा है उनके बारे में। तो थोड़ा बलदेव विद्याभूषण के बारे में हम लोग आज सुनेंगे। आपको ये समझना है ये तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि बलदेव विद्याभूषण जैसे इतने मुख्य आचार्य जो हैं उनके तिरुभाव के दिन हम उनकी कथा सुन पा रहे हैं। और हमारा कुछ न कुछ बताया जाता है तो पुण्य होगा या आध्यात्मिक हमारी सुकृति होगी कि जिसके कारण हम ऐसे महान आचार्य के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए भौतिक जीवन में हम लोग सब श्रवण करने के लिए आतुर हैं। अभी हमने इतने सालों तक हॉलीवुड बॉलीवुड ये जो पिक्चरें हैं उसका श्रवण किया हुआ है, तो इसलिए अभी हम उनके तरफ आकर्षित हैं। और पूरा विश्व में लोग वही चीज कर रहे हैं इसलिए वो उनके तरफ आकर्षित हैं क्योंकि वो उनके बारे में श्रवण कर रहे हैं। पर हम जब अपना मन ऐसे लोगों का श्रवण से हटाकर भगवान के ऊपर और भगवान के भक्तों के ऊपर ध्यान रखेंगे और उनका श्रवण करेंगे, तो जितना हम धीरे 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 उनका श्रवण करते रहेंगे तो हमारा आकर्षण भी उनकी तरफ बढ़ेगा। और एक समय आएगा कि जब हमारा पूरा मन जो है भगवान और भगवान के भक्तों की तरफ ही रहेगा और भौतिक चीजों की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा। तो आज जो है बड़ा सौभाग्य है कि बलदेव विद्याभूषण जैसे महान आचार्य के बारे में हमें दो शब्द बोलना और सुनने को मिल रहा है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं ये कथा का, कि सिर्फ कथा सुनने मात्र के लिए नहीं सुनना चाहिए, पर कथा सुनते समय हमें नम्र भाव से रहना चाहिए, हाथ जोड़ के हमें प्रार्थना करना चाहिए इतने बड़े आचार्य गण को कि हम जो है उनके जैसे उनके पद चिन्ह पे चलते हुए वैष्णव समुदाय की सेवा कर सकें जितना भी हमारा क्षमता अनुसार है, जितना वो कृपा दें, और उनका श्रवण करते हुए हमारा शुद्धिकरण हो और हम पूरी तरह से ये जो गुरु परंपरा है उसको हम सेवा में पूरा जीवन जो है उनको दे सकें। तो भक्ति बलदेव विद्याभूषण के बारे में वर्णन किया जाता है कि उनके जन्म और उनका परिवार का वर्णन ज्यादा कहीं पे बताया नहीं गया है। यहाँ तक कि बलदेव विद्याभूषण ने स्वयं जो है बहुत सारी चीजें लिखी पर उन्होंने इसके बारे में वर्णन नहीं किया उनके जन्म के बारे में और उनके जो है परिवार के बारे में, तो इसलिए ये जानकारी नहीं है लोगों के पास। पर ऐसे जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि 18वें सदी में 18 सेंचुरी में ओरिस्सा या रेमुना के पास में उनका जन्म हुआ था, और फिर वहां पे उन्होंने पूरा जो है पाठ करना चालू किया और कुछ ही समय में उनको काफी चीजों का ज्ञान हो गया। और फिर जो है वो एक तीर्थ के लिए निकल गए। जब तीर्थ के लिए निकले वो
उसका है ही नहीं ना गया। जब वो तीर्थ के लिए निकले तो बताया जाता है कि वो माधवाचार्य के जो भक्तगण थे जिन्हें तत्ववादी बोलते हैं उनसे मिले और उनसे उन्होंने काफी समय जो है काफी ज्ञान प्राप्त किया। और बताया जाता है वहां से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो वापस जो है उड़ीसा आए वहां रसिकानंद देव, हम जानते हैं रसिकानंद भी एक प्रामाणिक भक्त रहे हैं जो है गौड़ी वैष्णव में, तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था राधा दामोदर देव, तो उनसे उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने उनको राधा दामोदर देव ने बलदेव विद्याभूषण को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में पूरा ज्ञान दिया और जीव संदर्भ, जीव गोस्वामी के पूरे संदर्भ का ज्ञान दिया, जिससे वो पूरी तरह से गौड़ीय वैष्णव से जुड़ गए और फिर गौड़ीय वैष्णव का पूरा संप्रदाय का पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और फिर अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। और बताया जाता है वृंदावन में वो विश्वनाथ चक्रदेव ठाकुर के सानिध्य में थे और विश्वनाथ चक्रदेव ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण को सब जो है आध्यात्मिक ज्ञान देना चालू किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ज्ञान दिया वो था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसमें जो एक तत्व है जिसे बोलते हैं हम अचिंत्य भेद अभेद तत्व, तो वो ज्ञान दिया। क्योंकि उस समय ये 18वीं सदी की बात है, उस समय बहुत सारे जो है निर्विशेषवाद, शून्यवाद और बहुत सारा ये सब जो है ज्ञान जो है प्रभावित था, यहाँ तक कि शुद्ध द्वैत, विशुद्ध द्वैत, द्वैत, अद्वैत, ऐसे बहुत सारी चीजों का चर्चा चल रहा था। तो उन्होंने सबका ज्ञान में सबसे मुख्य बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे भगवान और जीव एक समान है लेकिन फिर भी जीव अलग है, तो उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया। जब ये सब वृंदावन में हो रहा था तो बताया जो जयपुर के राजा थे, तो ये जयपुर के राजा हमें मालूम है कि पहले जीव गोस्वामी के द्वारा और जो है तपन मिश्रा और उनके जो पुत्र हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, इन दोनों के द्वारा जो जितने भी जयपुर के राजा थे उनको उनके गुरु जो थे गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे जीव गोस्वामी, और उन्होंने सबको दीक्षा दिया। उस समय ये 1800 की बात है, जब जीव गोस्वामी ने दीक्षा दिया था वो 1600 की बात है, 16th सेंचुरी की, तो 200 साल बाद की बात है। ये जो श्री संप्रदाय के जो भक्त थे जिन्हें रामानंदी बोलते हैं, रामानंदाचार्य के जो फॉलोअर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो गौड़ीय वैष्णव है वो जो है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में नहीं है। क्यों परंपरा में नहीं है? क्योंकि उनके पास जो है वेदांत सूत्र का कोई भाष्य नहीं है, वेदांत सूत्र का कोई कमेंट्री नहीं है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव जो है प्रमाणिक नहीं है, पूरा का पूरा हमारा जो संप्रदाय है उसको बताया बोनोफाइड नहीं है। फिर बोला क्योंकि वो गौड़ीय वैष्णव जो है संप्रदाय बोनोफाइड नहीं है, इसलिए उनके पास कोई अधिकार नहीं रहता है भगवान के विग्रह की सेवा करने का, तो भगवान का विग्रह का सेवा भी उन्होंने हटा दिया। और जहां भी गौड़ीय वैष्णव भगवान के विग्रह की सेवा करते थे वहां पे शिव संप्रदाय के जो पुजारी हैं वो आके सेवा करने लग गए। तो आप समझिए जब ये चल रहा था तो राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ, राधा विनोद और जितने भी वृंदावन के विग्रह थे जो औरंगजेब के आक्रमण के समय जो है शिफ्ट हुए थे, वो सारे के सारे विग्रह पे जहाँ गौड़ीय वैष्णव पूजा कर रहे थे वहां सब हटा के श्री संप्रदाय के रामानंदी भक्त जो है सेवा करने लग गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि राधा और कृष्ण की पूजा जो है सही नहीं है, राधा रानी का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए राधा रानी को भी जो है सब विग्रहों से अलग कर दिया गया। क्योंकि राजा जयपुर के खुद गौड़ीय वैष्णव में उन्होंने दीक्षा लिया था, तो उन्होंने वृंदावन में जो आचार्य गण है उनके लिए उनको ये संदेश भेजा कि ऐसे श्री संप्रदाय कर रहे हैं, क्योंकि श्री संप्रदाय का हजारों सालों से उनका बोनोफाइड है, वो जो है तिरुपति बालाजी, रंगनाथ जी और जो है वरदराज जी, उनकी पूजा चल रही है और रामानुजाचार्य ने पूरी स्थापना करके गए हैं, तो उनका काफी बोनोफाइड था उस समय। तो ये गौड़ीय वैष्णव को उनको लगा कि ये प्रमाणिक नहीं है। अच्छा, अब जब जैसी ये ज्ञान ये चीज ज्ञान वृंदावन में पहुंचा तो उधर वृंदावन में
विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर सबसे प्रमुख आचार्य थे। ये 18वीं सेंचुरी की बात है, सब गोस्वामियों के जाने की बात थी। तो ये राजा जो उनका नाम था सदाचरी राजा, उन्होंने बोला कि आपको जो है पूरी तरह से हमारे गौड़े वैष्णव को बचाना होगा, अगर आप नहीं बचाएंगे तो ये शिव संप्रदाय जिन्होंने सब जो है भगवान की सेवा तो ले ही ली है, पर उन्होंने अभी राधा रानी को भी अलग कर दिया। जब इतना सब हो रहा था तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर उस समय बहुत उम्र में थे, बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जाके वाद विवाद नहीं कर पाऊंगा, वृंदावन से जयपुर नहीं जा पाऊंगा मेरा उम्र होने के कारण, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जिनको उन्होंने सब तरह से ज्ञान दिया हुआ था, उन्होंने उनको भेजता हूँ, और उनको उन्होंने भेजा। और वहां पे बलदेव विद्याभूषण ने बताया जाता है जयपुर में जाके राजा के राजसभा में जितने भी रामानुजाचार्य के शिष्य थे सबको जो है वाद विवाद में परास्त करना चालू किया, और इतना उन्होंने परास्त किया और पूरी तरह से स्थापना की कि गौड़ीय वैष्णव जो जो सिद्धांत है उसको बनाने वाले सब प्रमुख में से चैतन्य महाप्रभु ही हैं, और आपका जो है ये बात कि वेदांत सूत्र का कोई कमेंट्री नहीं है, उस पर कोई भाष्य नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद भागवतम को ही भाष्य माना है, इसलिए हमने कभी कोई भाष्य लिखा नहीं है, हमारा चर्चा हुआ नहीं है, पर भागवतम ही जो है सबसे बड़ा भाष्य है करके वेदांत सूत्र का। पर ये जो जितने भी रामानंदी थे वो मांगने को तैयार नहीं थे और बोले नहीं, आपका वेदांत सूत्र पे जब तक भाष्य नहीं आएगा तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने षट संदर्भ से बताने की कोशिश की, काफी चीज बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही जिद पे लगे थे कि आपके पास भाष्य नहीं है वेदांत सूत्र का, तो आप पहले वो लेकर आइए। तो बताया जाता है जैसे ही गोविंद जी सोए थे, हमारे बलदेव विद्याभूषण सोए थे जयपुर में, तो गोविंद जी उनको सपने में आए और गोविंद जी उनको बोले कि अगर आपको भाष्य लिखना है तो मैं आपको खुद जो है गाइडेंस दूंगा, मैं खुद आपको बताऊंगा, तो और आप लिखिए, उससे आप जो भाष्य लिखेंगे जो वेदांत सूत्रों के ऊपर कमेंट्री रहेगा वो सबसे प्रमाणिक रहेगा। ऐसे गोविंद जी स्वयं सपने में आके बलदेव विद्याभूषण को बताते हैं। तो देखिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के सपने में आके कैसे उनको जो है पूरा वर्णन करते हैं और बताते हैं। तो प्रभुपाद जी भी जैसे बोलते हैं कि ये जो किताबें हैं मैंने नहीं लिखी, कृष्ण भगवान ने लिखी है, कृष्ण भगवान ने मुझे सब डिक्टेट किया है और उनकी प्रेरणा से मैंने ये सब किताबें लिखी हैं, इसलिए मैं खुद भी ये किताबें पढ़ता हूँ। प्रभुपाद बोलने लगे कोई भी जो लेखक होता है वो अपनी किताब नहीं पढ़ता, पर मैं अपनी किताब इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि किताब मैंने नहीं लिखी है, कृष्ण भगवान ने लिखी है। और ऐसा प्रभुपाद ने कई बार बोला है, और कई बार प्रभुपाद जो है रिपोर्टर लोगों को भी बोलते थे, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि ये मैंने किताबें नहीं लिखी हैं, कृष्ण ने लिखी। तो प्रेस रिपोर्टर थोड़े भ्रमित हो जाते थे, वो सोचते थे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण कैसे लिख सकते हैं सब किताबें। तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो समझाने की कोशिश करते थे रिपोर्टर को कि कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ, अर्थात जब प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने लिखा है, इसका मतलब ये है कि कृष्ण भगवान ने बुद्धि दी प्रभुपाद को जिसके कारण प्रभुपाद लिख पाए। तो जैसे ही ऐसा शिष्य ने रिपोर्टर को बोला तो प्रभुपाद भड़क गए। प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ने बुद्धि दी उसके बाद मैंने लिखा, नहीं, कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट मेरे को डिक्टेट किया है जिसके कारण मैं इतना भागवतम लिख पाया हूँ, बोल पाया हूँ, तो ये डायरेक्ट कृष्ण भगवान का डिक्टेशन है। और यहाँ पे भी बताते हैं कि गोविंद जी जो है हम लोग को अपने आने वाले भक्तगणों के को भक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं बलदेव विद्याभूषण को बोले मैं आपको डिक्टेट करूंगा, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, आप लिखना चालू करिए। और फिर उन्होंने बताया जाता है गोविंद भाष्य लिखा, जो प्रभुपाद जी भी उसका जो है काफी ग्लोरीफाई करते हैं, उसका स्तुति करते हैं गोविंद भाष्य का। तो ये जो गोविंद भाष्य है जब वो उन्होंने पूरी रचना की, और रचना करने के पश्चात जब वो रामानंदी जो है जितने भी स्कॉलर्स थे पंडित उनके पास गए, उन सबको परास्त कर दिया, और परास्त करके उन्होंने जो सब था पहले कि गौड़ीय वैष्णव प्रमाणिक हैं जो हमारा संप्रदाय है उसको पूरी तरह से बताया, फिर जो है जितने भी जगह
श्री संप्रदाय के पुजारी पूजा कर रहे थे तो उनको हटा के वापस से जो है इनको स्थापना किया गौड़ीय वैष्णव पुजारियों को, और जो राधा रानी को अलग कर दिया था गोविंद जी से, तो राधा रानी को जो है गोविंद जी से मिलाया, गोपीनाथ में भी राधा रानी को विग्रह का साथ में रखा और उसको भी स्थापना करके पूजा कराया। तो ये बताया जाता है 1628 की बात है, और उनका पांडित्य देख के उनको जो है विद्या भूषण, विद्या के जो भूषण है, भूषण मतलब जिसको हम गहना बोलते हैं, तो उसका उनको नाम दिया बलदेव जी को, तो बलदेव विद्याभूषण बने। तब उनको ये नाम ऐसे ऐसा ऑनर उनको बताया दिया गया था। अच्छा, ये जितना भी हुआ ये बताया जाता है गलता घाटी में हुआ है, और उधर भी आज भी गलता मंदिर है। कभी आप जयपुर जाएंगे, आप टूर्स कर रहे हैं तो आप देखेंगे उधर एक गलता घाटी करके है। मेरा सौभाग्य है, मैं 2 साल जो है जयपुर में था, मेरे पिताजी बैंक में थे और बैंक में होने के कारण उनको ट्रांसफर मिलता था, तो मैंने 10वीं और मेरी 11वीं मैंने जयपुर से किया, जयपुर के महेश्वरी पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी। तो कई बार मेरा उधर जो है गलता घाटी में जाना होता था, और तकरीबन शायद हो सकता है मैंने कई डजन बार गया होऊंगा उधर, और वहां पे गंगा की उत्पत्ति है। और मुझे तो इतना, मैं भक्ति से जुड़ा नहीं था उस समय, और जब भी हम जाते थे वहां गंगा में स्नान करते थे और वहां दर्शन करते थे राधा कृष्ण विग्रह का। तो ये जगह है, स्थान है बलदेव विद्याभूषण का, मुख्य रूप से गलता घाटी या गलता मंदिर। और वहां पे बलदेव विद्याभूषण ने विजय गोपाल जो राधा कृष्ण का जो विग्रह है उसका भी उन्होंने स्थापना किया। पर समय के जाने के पश्चात अभी आज हम 2020 में बैठे हैं, पर अभी वो कहाँ पे विग्रह है उसका वर्णन मालूम नहीं है लोगों को। पर ये जो गलता घाटी है वहां पे बैठ के उन्होंने रचना की थी और वहां पे उन्होंने विग्रह की स्थापना की थी। और जैसे मैं बता रहा हूँ वहां पे गंगा है, अभी मालूम नहीं क्योंकि मेरा ये 10वीं 11वीं में था, तो आज से तकरीबन आप सोच सकते हैं 25-30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है, 90 और 91, 30 साल पहले। तो अभी वहां पे क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं, पर वहां पे जो है ये ऐसा भगवान का जो है खूब शास्त्र का रचना भी हुआ था और भगवान के विग्रह की सेवा भी हुई थी। इतना होने के पश्चात बताया जाता है सारे के सारे रामानंदी जो थे उन सब ने बोला कि हमें आपसे दीक्षा लेना है जो है बलदेव विद्याभूषण से। तो जब उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया तो बताया जाता है बलदेव विद्याभूषण ने उनको दीक्षा नहीं दिया और उनको बोला कि क्योंकि आप एक प्रामाणिक संप्रदाय में से जुड़े हो, अर्थात आप श्री संप्रदाय से जुड़े हो जो सबसे प्रामाणिक है, बोनोफाइड है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको अपने संप्रदाय छोड़ के आप हमारे संप्रदाय में जुड़े। तो आप वो भी बोनोफाइड है जो लक्ष्मी जी के द्वारा ये संप्रदाय शुरुआत हुआ है, तो इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। आप उसी दीक्षा, आप पहले ही दीक्षा मिल चुका है, आप जो है रामानुजाचार्य के शिष्य हैं परंपरा में आते हुए, आप अपना भक्ति करिए, आपका भी प्रामाणिक है, और ऐसे करके उनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया। अभी हमें समझना है कि हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं और जो श्री संप्रदाय के हैं जो भक्तगण, जैसे मैंने बताया उनका बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है श्री संप्रदाय का जो है उनका जो पूजा अर्चना है, रामानुजाचार्य ने जो स्थापना की है श्री संप्रदाय में, तो वो जो है हमारा इस्कॉन बताया जाता है एक छोटे बच्चे के समान है, सिर्फ 50 साल का हमारा इस्कॉन है, पर रामानुजाचार्य का कम से कम 2000 साल पुराना है। 2000 साल से उनके जो है पुष्टे या पीढ़ियां जो है वो आ रही हैं, और उनका भगवान की सेवा, उनका विग्रह की सेवा बहुत ही जो है भव्य रूप से करते हैं, विशेष रूप से तिरुपति में और श्रीरंगम में और वद्रा जी और बहुत सारे दिव्य देशम है वहां पे भी चल रहा है साउथ में, लेकिन कलयुग के प्रभाव से बाकी सब दिव्य देशम पे इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़े पुजारी हैं, सेवा चल रहा है। पर एक समय था जब बहुत ही भव्य रूप में जो है प्रचार हो रहा था श्री संप्रदाय में। तो श्री संप्रदाय के जितने भी भक्तगण हैं और जिन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा की है, तो भगवान को विष्णु के रूप में ही स्वीकार करते हैं, और यहाँ तक कि उनका दासत्व भाव रहता है। तो वही बलदेव विद्याभूषण भी बोल रहे थे कि आप जो हैं श्री संप्रदाय के जितने भी भक्तगण हैं
वो दास भाव में ही सेवा करेंगे जीवन पर्यंत, और उनका जीवन का अंत में उद्देश्य जो है वो है वैकुंठ में प्रवेश करना। वो कृष्ण भगवान को ज्यादा पूछते नहीं है, यहाँ तक कि उनको गोलोक वृंदावन का अगर ज्ञान भी होगा तो उनको कृष्ण से और गोलोक वृंदावन से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। उनकी पूरी तरह से शिव संप्रदाय के भक्तों की आसक्ति रहती है विष्णु से और वैकुंठ से। तो बताया जाता है कि ऐसे भक्त जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं दासत्व भाव में। तो वो कभी सोच नहीं सकते कि हम जो है भगवान के मित्र बने या भगवान के साथ माता पिता बने, मतलब वात्सल्य भाव जो है जो हमारे गौड़ीय वैष्णव में है, तो साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, ये तीनों चीज श्री संप्रदाय में नहीं है और ना ही कोई श्री संप्रदाय के भक्त जो है इसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव भक्तों को ये समझना है कि हम जो गौड़ीय वैष्णव हम पालन कर रहे हैं तो हमें भी जीवन पर्यंत जो है दासत्व के भाव में ही रहना है, लेकिन हमारा जीवन के अंत के पश्चात जब हम गोलोक धाम में जाएंगे तो बताया जाता है तो हो सकता है कि हमारा जो हम लोग बोलते हैं असली आध्यात्मिक स्वरूप है तो उसमें हम साख्य, वात्सल्य, माधुर्य ये सब में भी प्रवेश कर सकते हैं, जो एक उत्तम श्रेणी की भक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो गोपियों की भक्ति है वो सर्वोत्तम भक्ति है। तो बताया जाता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास गए वापस से बलदेव विद्याभूषण इतना सब होने के बाद जयपुर में, तो और जो उनके को एक सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री, जैसे हम लोग ने सुना है चैतन्य महाप्रभु के समय से वो जो है विजय पत्र बनाते थे, तो विजय पत्र पे स्पष्ट किया था कि कैसे गौड़ीय वैष्णव प्रामाणिक है और बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य की रचना की है और उन्होंने पूरे जो है जयपुर में और पूरे भारत में इसकी स्थापना की। तो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर जो है उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और उन्होंने फिर बताया कि अभी आप जीव गोस्वामी के षट संदर्भ अच्छे से पढ़ें और उसके ऊपर आप जो है टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखने का मतलब ये है, कमेंट्री लिखने का मतलब ये है कि जिससे आने वाले जीव जो हैं वो अच्छे से समझ सकें, ऐसा नहीं कि वो अलग से हटके कुछ करते थे। जैसे अभी आप देखते हैं कि प्रभुपाद के जितने भी प्रभुपाद ने गीता लिखा है तो उस पर भुरुजन प्रभु ने अपना किताब लिखा सरल रंटू, तो वो वही गीता को और स्पष्ट रूप से बताता है, तो उसे बोलते हैं कमेंट्री या टिप्पणी। तो उसी प्रकार से ये जो जीव गोस्वामी के षट संदर्भ थे उसको समझने के लिए उन्होंने और जो है भक्ति बलदेव विद्याभूषण ने किताब लिखा है। तो बताया जाता है उनके विग्रह आज भी आप वृंदावन में आपको मिलेंगे, जो है गोकुलन मंदिर में आप जाओगे तो वहां पे विजय गोविंद करके विग्रह हैं, ये बलदेव विद्याभूषण के पर्सनल ड्यूटीज थे और बताया जाता है कि वो उनकी सेवा करते थे। आज भी हम शारीरिक रूप से तो जा नहीं सकते पर मानसिक रूप से हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके विग्रह को, जिनकी जो है विजय गोविंद विग्रह की उन्होंने सेवा की बलदेव विद्याभूषण ने, तो हम भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी सेवा में लग सकें सब भक्तों के दास अनुदास बन के। और फिर बताया जाता है जैसे हमारे सभी आचार्य गण में एक समय पे जो है चैतन्य महाप्रभु के सबसे मुख्य थे रूप सनातन गोस्वामी, उसके बाद जो है रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और फिर जीव गोस्वामी हुए आचार्य गण, तो उसके बाद परंपरा में आते आते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय वृंदावन में सबसे प्रमुख आचार्य थे और उनके शरीर त्यागने के बाद उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को आचार्य बनाया। तो बलदेव विद्याभूषण के बारे में वर्णन किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं, तो जस्ट मैं आपको सिर्फ किताबों का नाम बता दूंगा। तो हो सकता है नाम सुनते हुए हमको लगेगा कि अरे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ये चीजें हैं, पर इस किताबों को लिखते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है और इस किताबों के बल पर, इन शास्त्रों के बल पर हमारे जितने भी गुरु परंपरा में आचार्य गण है उन्होंने इसको श्रवण किया है, उससे उनको निष्ठा मिली है। तो हम लोग के जीवन में हम लोग मुश्किल होगा शायद ये सब किताबें पढ़ना, क्योंकि हमारे जीवन में हम सिर्फ
जो है भागवतम चैतन्य चरितामृत अच्छे से पढ़ लें तो ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि इतना विस्तारित रूप से लिखा है वो भी मुश्किल होता है जीवन भर में, कितने सारे भागवतम भी पढ़ नहीं पाते हैं कवर टू कवर, तो ये सब तो बहुत मुश्किल है पढ़ना, पर फिर भी सुन लेते हैं। कम से कम इतना रहेगा कि हाँ जो बलदेव विद्याभूषण ऐसे आचार्य हैं उन्होंने जितनी किताबें लिखी थी हमने किताबें नहीं पढ़ी, कम से कम नाम तो सुना एक बार जीवन में। तो भाष्य पिठाक जो गोपाल चंपू पे उन्होंने लिखा था, फिर कृष्ण भावनामृत, फिर गोविंद भाष्य जो हमने सुना आज, फिर सिद्धांत रत्न, साहित्य कॉमेडी, वेदांत शामंतक, फिर प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, काव्य कस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पाद कस्तुभ, ईशादि उपनिषद भाष्य, गीता भूषण भाष्य, श्री विष्णु सहस्रस भाष्य, संक्षेप भागवतामृत टीपनी सारंग रंगद, तत्व संदर्भ टीका, सत्वमाला विभूषण भाष्य, नाटक चंद्रिका टीका, चंद्रलोक टीका, साहित्य कौमुदी टीका, कृष्णा नंदिनी श्रीमद भागवत टीका, वैष्णव नंदिनी गोविंद भाष्य शिक्षाम टीका, गोविंद भाष्य शिक्षाम टीका, सिद्धांत रत्न टीका और सात्व माला टीका। तो देखिए इतने सारे किताब लिखे हैं, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है श्रोतागण में अरे किताब ही नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, हमारे आचार्यों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और जीव गोस्वामी ने अकेले खुद ने जो है 400,000 श्लोक लिखे हैं, जिसको अभी भी बहुत सारे डिवोटीज लगे हुए हैं उसको ट्रांसलेट करने में संस्कृत से इंग्लिश में। महाभारत जैसे मैं बताया 100,000 श्लोक, भागवतम 18,000, भागवतम हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए इतने महीनों महीनों से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अभी भी हम लोग दूसरे स्कंद पे ही है, तो 18,000 श्लोक है। उसके बाद आता है महाभारत 100,000 श्लोक, और जीव गोस्वामी ने स्वयं लिखा है 400,000 श्लोक, और ये है बलदेव विद्याभूषण। काफी समय लग रहा होगा कि लोग सोच रहे होंगे अरे इतने सारे किताबें का नाम क्यों ले रहे हैं, अरे जो आचार्य गण ने इतना समय दिया है, दिन रात उन्होंने बिना सोए बिना खाए भी ये सब किताबें लिखी हैं, हम लोग तो इतने भाग्यशाली नहीं है वो किताब पूरी तरह से पढ़ पाएंगे, कम से कम नाम तो सुन लें। अच्छा इसके साथ साथ आज जो है गंगा जी देवी का भी जो उद्गम का दिन है, गंगा देवी का आज का दिन प्राकट्य हुआ है, तो मैं सभी भक्तगणों से ये प्रार्थना करूंगा कि जिनके घर में गंगा है आज तो गंगा का आचमन लें, उसको स्पर्श करें, उसे प्रार्थना करें। आज के दिन बताया जाता है जब गंगा देवी का आविर्भाव दिन है, उनका प्राकट्य का दिन है, तो हमें स्नान करना चाहिए, पर लॉकडाउन में है हम सब घर में हैं तो वो तो नहीं कर सकते, पर गंगा देवी का जो है जल जो है हम लोग स्पर्श कर सकते हैं और उसको जो है उसका आचमन लेके भी हम हमें कृपा मिल सकता है। जिनके घर में गंगा नहीं है तो एक मानसिक पूजा भी बोलते हैं, मानस पूजा जो सबसे प्रमाणिक पूजा है जो आचार्य गण बताते हैं, तो मन रूप से आप इस गंगा के तट पे जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं मानसिक रूप से। और थैंक्स टू यूट्यूब जो है हरिद्वार में गंगा आरती आप डाल दीजिए तो वो आपको देखने मिल जाएगा गंगा की आरती आज के दिन, तो वो सब करेंगे तो बहुत आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी आज के दिन। तो थोड़ा गंगा जी के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो गंगा देवी का 10 दिन का जो है पूजा होता है, वो तिथि के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ इतना, पर तिथि के हिसाब से वो पूरे 10 दिन कैलकुलेट करते हैं कौन से कौन से दिन तक है। तो यूपी बंगाल बिहार यहाँ पे विशेष रूप से 3 जगह पे गंगा देवी का पूजा होता है, और बताया जाता है इन जगह से गंगा देवी विशेष रूप से बहती भी आती है। तो बताया जाता है कि कई मंत्र भी होते हैं शास्त्रों में बताया गया है, जैसे बोलते हैं कि उस मंत्रों के उच्चारण से भी आप जो नॉर्मल जल है उसको भी गंगा जल बना सकते हैं। मतलब ऐसे जो ब्राह्मण पंडित होते हैं मंदिर में, वो सुबह सुबह जो है पहले आचमन करने से पहले वो मंत्रों से उस जल को गंगा जल बना देते हैं और फिर उससे जो है आचमन करके
जो है अपना दिन प्रारंभ करते हैं भगवान की सेवा का। तो बताया जाता है गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो तो एक चीज बताया गया है। और दूसरा इसका पूरा कथा आता है जो है प्रभुपाद जी भागवतम में भी लिखते हैं और हमने कथा सुनी है, अक्षय तृतीया के दिन भी थोड़ा सुना था कि भगीरथ महाराज जो है वो तपस्या करके स्वर्ग से इनको लेकर आते हैं, इसलिए उनका गंगा देवी का एक नाम है भगीरथी। भगीरथी अर्थात जिनको भगीरथ के द्वारा जिनको पृथ्वी पे लाया गया। तो अभी अलग अलग जो है थोड़े पुराणों में भी अलग अलग कथाएं हैं, तो वो सुनना चाहिए, उससे हमारा शुद्धिकरण भी होगा और हमें मालूम भी चलेगा कि कैसे ये गंगा की उत्पत्ति अलग अलग कारणों से हुई है। तो एक तो हम भगीरथ की कथा तो हमने सुनी है हमारे शुद्धिकरण के लिए, और आज गंगा का जो प्राकट्य है तो उसमें तो हम सुनेंगे, पर एक और कथा आती है पुराणों में कि एक समय में बहुत सारे दानव जो है सब साधु संतों को परेशान कर रहे थे, पूरे पृथ्वी पे जो है वो उन्होंने हाहाकार मचाया था। और ये सब जो दानव थे वो विशेष रूप से रात को परेशान करते थे और दिन में वो समुद्र में प्रवेश करते थे, जो ओशन है उसमें भाग जाते थे, क्योंकि सूर्योदय के समय ये जो राक्षस होते इनकी शक्ति नहीं रहती थी, पर रात्रि के समय अंधकार के समय उनकी शक्ति बहुत बढ़ती थी। तो दिन में वो लोग सब समुद्र में जाते थे और रात को सब जगह परेशान करते थे। तो सारे संत जो है अगस्त ऋषि के पास गए और अगस्त ऋषि को बोले कि ऐसा हो रहा है, ये सब दानव जो है परेशान कर रहे हैं। तो अगस्त ऋषि ने जो है अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जो है जितने भी ओशन है जितने भी समुद्र है उसका सबका जल पी लिया। सोचिए मतलब ऋषि मुनियों में कितनी शक्ति थी उस समय, पूरा का पूरा जल पी लिया। और बताया जाता है पूरे पृथ्वी पे जल नहीं था तो पूरा का पूरा अकाल आ गया। तो उस समय बताते हैं उसी समय का बात है कि सागर जो महाराज से सागरा उनका नाम है जिसका भागवत में भी वर्णन आता है, उनकी दो बीवियां थी केशनी और सुमति, और केशनी के पुत्र थे अश्मंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। और जब सागरा महाराज जो है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने जब घोड़ा छोड़ा, और हमें कथा मालूम है कि कैसे वो घोड़ा कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे और 60,000 पुत्रों को ऐसा लगा कि कपिल ऋषि ने ये घोड़ा रोक के रखा है, क्योंकि वो साधु थे, फिर भी वो थोड़े उनकी तरफ क्रोधित हो गए। तो बता देते हैं सिर्फ साधु जो है उसके प्रति क्रोध आवेश में आने के कारण भस्मीभूत हो गए 60,000 पुत्र। और फिर जो है उसका हमें कथा में हम आगे देखेंगे कि कैसे सागरा महाराज के पुत्र थे अंशुमान जो है उनको मालूम चला कि इनको उद्धार करना है, तो उसका एक ही तरीका है गंगा जी को लाने के लिए। तो गंगा जी को फिर वो नहीं ला पाए अंशुमान तपस्या करने के बाद। फिर उनके पुत्र हुए दिलीप, तो उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत तपस्या किया, वो नहीं ला पाए, और फिर अंत में भगीरथ जी लेकर आए। तो ये हमें कथा मालूम है। तो भगीरथ जी बताया जाते पहले ब्रह्मा जी को प्रार्थना किए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होके उनको वर दिए कि आप विष्णु को प्रार्थना करें। देखिए ये चीज बतलाता है शास्त्रों में से हमें बताया गया है कि अगर हम देवताओं को भी प्रमाणिक रूप से प्रार्थना करेंगे और जो देवता भी आपको मार्गदर्शन वही करेंगे कि आप विष्णु की पूजा करें, क्योंकि वो भी जितने भी देवता गण है यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जो सबसे प्रमुख है देवताओं में वो भी विष्णु भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो भगीरथ जी ने विष्णु की प्रार्थना की और विष्णु भगवान ने कहा कि जो है अवश्य जो है गंगा स्वर्ग लोक से जो है नीचे आएगी पृथ्वी लोक पे, पर आपको भगवान शिव को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि गंगा की वेग गंगा का जो पानी का जो फोर्स है वो इतना तेज है कि पूरा पृथ्वी को भेद सकती है और पृथ्वी जो है दो भाग में फट सकता है, इतना गंगा में शक्ति है। तो एक और प्रश्न आया है कि जो है गंगा माता गोस्वामी का आज आविर्भाव है, जो गंगा माता से अलग है तो वो सही है, तो आज गंगा माता का भी आविर्भाव है और साथ साथ जो है गंगा माता का भी आविर्भाव है, तो गंगा माता का मैं चर्चा गंगा माता गोस्वामी का मैं चर्चा अलग से करूंगा,
और अभी तो फिलहाल हम गंगा माता का ही कर रहे हैं, तो जो कैलेंडर है उसके अंदर मैंने देखा हुआ है उसमें बता रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज आ रहा है प्रश्न कि भाई कल का फास्टिंग का क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है कोई क्लियर डिटेल्स ये नहीं है, पर लोगों को का अलग अलग ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि सनराइज टू सनराइज है, जो स्कंद पुराण में भी बताया गया है, तो सेफली आप वो भी कर सकते हैं जो सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदय एक टाइमिंग यहाँ पे बताया गया है 6 बजे का है, दूसरा टाइमिंग मेरे को माधवाचार्य प्रभु ने 5:15 बजे का दिया गया है, तो 5:15 से पहले ले सकते हैं। एक और ओपिनियन है कि जो है ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तभी दिन चालू हो जाता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं, तो हम लोग उस पे नहीं जाएंगे, नहीं तो जितना ज्यादा हम सुनते रहेंगे उतना कंफ्यूजन होगा, ये होगा। तो मेरा ये कहना है कि 5 बजे आप लोग उठ के पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद जो है पूरा दिन फास्टिंग करिए, और अगले दिन 6 बजे तक फास्टिंग रहेगा, और फिर हम लोग जो है फास्ट तोड़ के फिर कर सकते हैं। तो एक वीडियो भेजा था एक भक्त ने, जिसमें बताया था कि जब फास्ट तोड़ रहे हैं तो गुड़ और नींबू का पानी बना के पीना चाहिए, तो उससे थोड़ा हेल्थ अच्छा रहता है, क्योंकि सब लोग निर्जल करेंगे, और उसके तकरीबन 1 या 2 घंटे बाद सिर्फ फल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, तो उससे भी थोड़ा बॉडी बेटर रहता है। क्योंकि सीधा आपने 24 घंटा पूरा फास्टिंग किया है, 24 और 6 36 या 38 40 घंटे, तो सीधा आप खाएंगे ठीक नहीं है। और मंदिर में तो वैसे सब ब्रह्मचारी ऐसा फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सब खिचड़ी खाते हैं मंदिर का जो होता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी पद्धति है, तो आप लोग सुन लीजिए कि फ्रूट्स खाएं तो उससे सिस्टम अच्छा रहेगा। और फिर बताया जाता है 1-2 घंटे बाद से स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाएं, उबला हुआ सब्जियां, और उसके बाद दोपहर को 12 बजे तक फिर आप पूरा खाना खा सकते हो, तो पूरा बॉडी आपका सिस्टम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कहना है। तो जो फास्टिंग का है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे 5 बजे आप ले लीजिए, 5 बजे पानी सिर्फ और कुछ मत लीजिएगा, तो पानी लेके आप जो है पूरा दिन भर का फास्टिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा भी किसी को प्रश्न कुछ होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। तो अच्छा, तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे कैसे भगीरथ जी विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, और विष्णु भगवान बोलते हैं कि आपको शिव जी को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, और शिव जी जो हैं वो ही गंगा को अपने सर पे धारण कर सकते हैं। और बताया जाता है शिव जी ने ऐसा किया जिसके कारण उनका नाम पड़ा है गंगाधर। और ऐसा वर्णन आता है कि 1000 जो है सेलेस्टियल ईयर्स तक उन्होंने गंगा को अपने जटा में ही रखा, उसको नहीं छोड़ा, और उसके लिए बताया जाता है वापस से भगीरथ जी को प्रार्थना करना पड़ा, और फिर वहां से भगवान ने शिव ने गंगा की उत्पत्ति की। और ये भी बताया जाता है कि वो हिमालय की भी पुत्री हैं, और जो है गंगा माता पार्वती की बड़ी बहन है, ये भी एक वर्णन आता है। तो बताया जाता है गंगा पे स्नान करना बहुत मुख्य है, किसी ने गंगा के तट पे शरीर त्यागा वो भी बहुत अच्छा है, और कम से कम अगर ये नहीं हो तो कम से कम जो उसके अस्थियां हैं वो कम से कम जो है गंगा में विसर्जन करना चाहिए। तो बोलते हैं जो भी भक्तगण अपने किसी भी पूर्वज के या रिश्तेदार के जो अस्थियां हैं वो भी अगर गंगा में विसर्जन करते हैं तो उससे जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बाहर चले जाते हैं, अर्थात उनको मुक्ति प्रदान होता है, वो जो है भगवत भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, अग्रसर होते हैं भगवत धाम की ओर। तो ये बहुत मुख्य है हमारे लिए जानना कि आजीवन काल के लिए अब से हमारे आसपास में कोई ना कोई रिश्तेदार कभी ना कभी जाएंगे ही जाएंगे, तो उनके जो अस्थियां हैं वो हमें प्रमाणिक रूप से जो है गंगा में ही जो है विसर्जन करना है। मैं कितने सारे धनी व्यक्ति लोगों को जानता हूँ जिनका ऐसा हुआ, जो है अंतिम समय हो गया और उसके बाद जो अस्थियां थी, क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं था, उन्होंने जाके जो है चौपाटी बीच में जाके डाल दिया, या ऐसा कोई ओशन में डाल दिया, या यहाँ वहां डाल दिया, खाड़ी में डाल दिया, उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिये, उनके अगर पुण्य नहीं है, आध्यात्मिक सुकृति नहीं है, तो भगवान को ज्ञान भी नहीं देते जिससे वो आगे भक्ति रूप में बढ़ सके। तो अभी ये ज्ञान हमें मिल गया है, तो ध्यान रखिएगा, हमें ये जो है किसी पे फोर्स नहीं करना है,
लेकिन हमें जानना चाहिए कि अस्थियों को हमेशा गंगा या यमुना में विसर्जन करना चाहिए, तो उससे जो जिन्होंने शरीर छोड़ा है उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छोड़ा जो है उससे निकल सकते हैं वो। तो बताया जाए 7 तरीके हैं गंगा जी, गंगा माता को पूजने के। एक तरीका है उनका नाम जप करें, हे गंगे हे गंगे हे गंगे गंगा माता की जय, या जो हम उनसे जैसे नाम जप कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो वो एक तरीका है पूजने का। दूसरा है हम जब गंगा जी का दर्शन करते हैं तो वो भी एक पूजने का तरीका है। तीसरा है जब हम गंगा माता का जल को स्पर्श करते हैं तो ये भी पूजने का तरीका है। चौथा, जब हम उनकी आरती करते हैं, जैसे हमने देखा है जब भी हरिद्वार गए हैं वहां पे लोग जो है पत्ते का एक नौका बनाते हैं और उसमें दिया फूल रखते हैं और एक छोटा सा दिया लगाते हैं, तो उससे हम पूजा कर सकते हैं या भव्य रूप से आप आरती कर सकते हैं। ये हुआ चौथा। पांचवा है जब आप स्नान कर सकते हैं। छठा है आप गंगा में प्रवेश करके आधे कमर तक प्रार्थना कर सकते हैं। और सातवां बताया था गंगा की मिट्टी को निकाल के उसको भी पूज सकते हैं, क्योंकि वो जो है पूजनीय होती है। तो ये 7 तरीके के जो है पूजा बताए गए हैं गंगा माता के। तो गंगा माता का विग्रह का वर्णन आता है कि कैसे वो हमेशा उनके एक हाथ में एक पानी का भरा भरा हुआ घड़ा रहता है और वो मगरमच्छ के ऊपर सवार होके हमेशा दिखती हैं। तो गंगा माता जो है 3 लोक का उद्धार करती है। हम पृथ्वी लोक पे हैं और उसके ऊपर के लोकों में उनका नाम मंदाकिनी है, यहाँ पे गंगा बोलते हैं, और नीचे के लोकों में गंगा माता को भागीरथी बोलते हैं। तो त्रिपथग करके एक और नाम आता है गंगा का, त्रिपथग। त्रिपथग मतलब ऐसे तीनों लोकों में जाती है और तीनों लोकों में उनका उद्धार होता है। तो कहाँ गंगा का पूजा हो सकता है उसका वर्णन करते हैं। पहला सबसे मुख्य जो है वो है गंगोत्री, जहाँ पे गंगा जी का प्राकट्य हुआ था। तो जो 4 धाम की यात्रा में जाते हैं उन्हें मालूम है गंगोत्री है, तो वो जगह है जहाँ पे गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, वहां गंगा देवी का मंदिर भी है। तो ये एक मुख्य स्थान है जहाँ गंगा देवी की पूजा हो सकती है। उसके अलावा हरिद्वार, जो हमने सुना हरि की पौड़ी उनको बोलते हैं, तो ये पंजाबी शब्द है हरि की पौड़ी, अर्थात जो पौड़ी मतलब स्टेप्स होता है या सीढ़ियां, और हरि की पौड़ी मतलब हरि की सीढ़ियां, अर्थात वहां पे जो भी गंगा की पूजा करता है, क्योंकि गंगा भी परम भक्त है भगवान विष्णु की, तो वो विष्णु को प्राप्त होते हैं। तो हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब है वो द्वार जहां से आपको हरि की प्राप्ति होगी। फिर बताया जाता है अलाहाबाद में उनकी पूजा होती है या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो यमुना से मिलती हैं प्रयाग में। वाराणसी है और अंतिम में बंगाल या मायापुर, जहाँ पे गंगा है और विशेष रूप से वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया हुआ है, तो पूरा का पूरा जो जल है उसको जो है उन्होंने चनामृत बना दिया है। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं, जब उधर जाते हैं स्नान कर सकते हैं, तो आज के दिन हम मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। तो एक और चीज बताते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वो भगवान के जो है चरणों में से जो है जल निकला हुआ है, तो वो हम चर्चा करेंगे भागवतम के दृष्टि से भी, पर वो भी एक कथा है। और बताते हैं कि जब वो गंगा देवी जो एक उन्होंने जब रूप धारण किया था, तो उन्होंने शांतनु महाराज से विवाह किया और भीष्मा की माता बनी। तो ये भी वर्णन है शास्त्रों में। तो एक गंगा जी का जल के बारे में जो वैज्ञानिक कभी समझ नहीं पाए हैं वो चीज बताया गया है। आप गंगा जी का जल सालों साल अपने घर में रखिए, कभी भी वो जल जो है उसमें जो है खराब नहीं होगा वो जल, और उसमें जो है जैसे हरा हरा हो जाता है कभी कभी जल, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है, पर ये जो है शक्ति है गंगा जल की, क्योंकि वो भगवान के चरणों से स्पर्श होके निकली है। तो श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से वर्णन है। और ये जो है जो भक्तगण आज गंगा के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम 17th चैप्टर वर्स नंबर 1 to 11। तो प्रभुपाद जी ने गंगा जी के बारे में काफी विस्तार पूर्वक इसमें बताया है। तो 5th कैंटो
17 चैप्टर 17वां अध्याय 1 से 11 श्लोक इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है गंगा जी के बारे में, तो सब पढ़ सकते हैं। तो हमने भागवतम में सुना है कैसे बलि महाराज के पास वामन जी आते हैं और 3 कदम मांगते हैं और उनको देन कदम देने के बाद भगवान त्रिविक्रम का रूप धारण करते हैं और आध्यात्मिक जगत का जो जल है वो जो है उन जो है इस भौतिक जगत में लेकर आते हैं। उनका जो चरण है वो पूरा जो ब्रह्मांड है उसको छेद देता है और आध्यात्मिक जगत का जो जल है वो इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय भगवान के चरणों को भी धोता है और भगवान के चरणों को धोने के कारण गंगा देवी का एक नाम पड़ता है जिसे बोलते हैं विष्णुपादी। और बताया जाता है कि भगवान के चरणों में चरणों का रंग लाल सा है तो इसलिए जैसी जो गंगा जल है उनसे संपर्क में आने के कारण फिर गंगा देवी का जल पिंक कलर का हो जाता है, ऐसा भी वर्णन आता है। तो गंगा देवी का एक और नाम है जाह्नवी, क्योंकि जाह्नू सब ऋषि थे तो जब वो तपस्या कर रहे थे और भगीरथ जी आगे आगे जा रहे थे और पीछे से गंगा देवी आ रही थी तो उन्होंने जाह्नवी जो गंगा देवी है जो जिस गति से आ रही थी तो वो गति से बहुत ध्वनि कर रहे थे और ऋषि गण थोड़े परेशान हो रहे थे। तो जाह्नू ऋषि जो थे उन्होंने पूरा पूरा गंगा जल को पी लिया। देखिए अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने पूरा का पूरा जल पृथ्वी का पी लिया था और एक दूसरे ऋषि हैं ये जाह्नू ऋषि जिन्होंने पूरा पूरा गंगा को पी लिया और फिर भगीरथ महाराज को प्रसन्न करना पड़ा तो फिर उन्होंने वापस जल को छोड़ा और उनका नाम जाह्नवी पड़ा गंगा देवी का। तो एक और एक कथा आती है। तो गंगा देवी का एक और नाम है पतित पावनी, अर्थात वो पतित लोगों का उद्धार करती है और जो लोग ने भी पाप किए होंगे तो उनका पाप का शुद्धिकरण होगा उनकी कथा सुन के, उनका नाम जप करके, उनमें स्नान करके। और बताया जाता है वो विशेष रूप से बाहर से अंदर से दोनों तरह से शुद्धिकरण रखने की शक्ति रखती है, अर्थात जो गंगा में निरंतर स्नान करता रहेगा, जो गंगा में निरंतर स्नान करता रहेगा उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, ये गंगा माता की शक्ति है। और अंतरंग रूप से जितने भी उसने पाप किए हैं उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये भागवतम में बताया जाता है कि गंगा में आप स्नान करेंगे तो आपका सभी पापों का शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन वही गंगा जो है भगवान के जैसे चरणों से निकली थी वैसे ही गंगा के रूप में गीता है, भागवत है जो भगवान के मुखारविंद से निकली है। तो जितना उसका श्रवण करेंगे तो पाप से तो मुक्त होंगे ही होंगे, पर पाप करने की प्रवृत्ति जो है, पाप करने की जो इच्छा है उससे भी आप मुक्त हो जाओगे, ये फल मिलता है जो हरिकथा सुनता है। और फिर बताते हैं कैसे ध्रुव महाराज स्वयं इस गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं, उसका भी पूरा वर्णन आता है और ध्रुव लोक में कैसे गंगा समाये हुई है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो जो जैसे मैंने बताया भक्तों को जिनको इंटरेस्ट है वो इस 17 चैप्टर के 5th कैंटो के 1 से 11 श्लोक जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ अभी जो गंगा माता है जिनका आविर्भाव है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो इसके बारे में एक मिनट, हाँ, तो बताया जाता है कि जो जो गंगा माता गोस्वामी है, मैंने इतना प्रवचन सुना नहीं है मंदिर में या जो है मेरे को इतना ध्यान नहीं है, पर इसके बारे में थोड़ी कथा हुई है और इसका प्रामाणिकता है इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे वो राजा की ये जो गंगा माता गोस्वामिनी है उनके बारे में बताया जाता है कैसे वो उनका नाम सची था और कैसे वो राजा की पुत्री थी और राजा और रानी उसका हमेशा विवाह कराना चाहते थे पर वो उन्होंने मन ही मन में कृष्ण भगवान को ही अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लिया था और उनको किसी भी भौतिक व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना था। तो उन्होंने पूरा जीवन विवाह नहीं किया और उनके माता पिता जो है उनको राज पूरा राज देते हुए वो चले गए। फिर सची माता जो है उनको लगा कि मुझे राज संभालने में कोई रुचि नहीं है, भले मैं रानी के समान हूँ यहाँ
पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सब दे दिया और फिर बताया जाता है वहां से पूरी चली गई। अच्छा, जब वो पूरी गई तब चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्तगण अपनी लीला समाप्त करके जा चुके थे। फिर वहां से वो वृंदावन गई और वृंदावन में जो है वो हरिदास पंडित से मिली जो गौर निताय की पूजा करते थे और अनंत आचार्य के शिष्य हैं, ऐसा करके वर्णन आता है। और हरिदास जी जो है, बताया जाता है ये हरिदास जी हैं जो बाकी बिहारी जो मेन मंदिर है वृंदावन के उसके पुजारी भी हरिदास जी हैं। और हमने कुछ दिन पहले कथा में सुना था कि तानसेन जो सबसे मुख्य संगीतकार थे अकबर के इसमें, उनके गुरु भी हरिदास थे। तो हरिदास बहुत शक्तिशाली आचार्य थे तो उनका पास सची माता जाती हैं। तो पहले तो जो है हरिदास जी उनको परीक्षा लेना चाहते हैं सची माता का और उनको बोलते हैं कि आप जो है राजकुमारी रह चुके हो, आपके लिए वृंदावन में रह के भक्ति करना मुश्किल होगा, तो आप तो चले जाइए वापस और वापस जाके अपना जो है राजपाट संभालिए। तो ऐसा बोलने पे जो है सची माता उसको बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर भी वृंदावन में रह के अपने भजन में, अपने कीर्तन में, भगवान के नाम जप में पूरी तरह से लगी रहती है, सेवा में लगी रहती है। तो हरिदास जी देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उनको दूसरा शिक्षण देते हैं। और दूसरा शिक्षण में बोलते हैं कि आप राजकुमारी रह चुके हो, लेकिन अगर आपको ब्रज में प्रवेश वास्तविक रूप में चाहिए तो आपको अपना राजपाट और अपना वो सब ऐश्वर्य छोड़ के हाथ में कमंडुल लेना होगा और मधुकरी करना होगा। तो मधुकरी करने से जो है आप सारे ब्रजवासी के अधीन हो जाओगे और अपने आप को एक निम्न भक्त मानोगे। तो ऐसा बोल के वो सची माता को शिक्षण देते हैं। तो सची माता बताया जाता है तुरंत जो है स्वीकार कर लेती हैं और वो जो भले ही पहले राजकुमारी जैसी थी वो अभी पुराने कपड़ों में सब जगह घूम घूम के जो है मांगती थी भिक्षा और मधुकरी में अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो उससे जो है बताया जाता है हरिदास जी बहुत उनसे प्रसन्न हुए और फिर जो है उनको बताया गया कि आप वहां से तब बताया जाता है जब उनसे वो दीक्षा, जब उनसे वो बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला मैं आपको दीक्षा दूंगा। और फिर जो है सची माता को हरिदास जी ने राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षा दिया। और फिर बताया जाता है काफी समय तक एक और भक्त माता जी थी लक्ष्मी प्रिया जो जो है 300,000 नाम जप करती थी, जैसे हमारे हरिदास ठाकुर हैं जैसे वो जप करते थे वैसे ही लक्ष्मी प्रिया माता जी भी जप करती थी। हरिदास ठाकुर की, हरिदास प्रभु की शिष्य थी। तो वो और सची देवी बताया जाते दोनों ने राधा कुंड में जो है उनका निवास स्थान था और गोवर्धन परिक्रमा करते थे और काफी समय वहां पे भक्ति करने के बाद जो है उनको पूरी धाम जाने का आज्ञा दिया गया। और फिर वहां पे वो जो है सर्वभौम भौमा भट्टाचार्य का जो घर था उस समय जैसे मैंने बताया महाप्रभु के सारे शिष्य लीला समाप्त करके जा चुके थे तो सर्वभौम भट्टाचार्य का जो निवास स्थान था वहां पे दामोदर शालिग्राम था तो वहां पे जाकर सचिदा माता वहां रहती थी और वहां पे उन्होंने सेवा की और रोज जो है भागवतम का चर्चा करते थे। तो यहाँ तक ही बताया जाता है कि वहां के जो राजा थे उस समय पुरी के जिनका नाम था मुकुंद देव वो स्वयं आते थे भागवतम सुनने के लिए और जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और उनको बोले कि जो है सची माता को जो है श्वेत गंगा जो है उसके पास जो है उनका एक स्थान बनाइए आप जहाँ पे वो प्रार्थना कर सके, सेवा कर सके। और उस श्वेत गंगा के पास बताया जाता है कि सची माता ने अपना स्थान बनाया और जब वहां गंगा था तो उनका इच्छा हुआ कि मैं वास्तविक रूप में गंगा का स्नान, गंगा में स्नान कर सकूं। और जब उन्होंने वहां पे स्नान किया तो जैसे उन्होंने वहां पे स्नान किया तो जब वो बाहर निकली तो वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर थी, वो भी रात्रि का समय में। तो कई पांडा लोगों को लगा, ऐसा लगा कि ये जो है चोरी करने के लिए शायद आई है सची देवी। तो उनको जो है इन्होंने जेल में डाल दिया पांडा लोगों ने। तो ये जो राजा हैं उनके सपने में जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी बोलने लगे अरे मूर्खों मेरे चरणों से गंगा उत्पत्ति हुई है और ये मेरी प्रमाणिक भक्त है, तुमने उनको इतना अपमान किया है
अभी जाइए, आप माफी मांगिए और पूरी तरह से उनको सम्मान देते हुए जो है उनको जो है वापस से बाहर लेकर आइए। और तब से बताया जाता है सची देवी का जो है नाम जो है बहुत प्रमुख हो गया और उनको सब जो है प्रार्थना करने लगे। तो ऐसा ये संक्षेप में जो है मैंने बताया है उसके बारे में। तो ये भी एक आचार्य गण है, तो हम इतना ही प्रार्थना करेंगे ऐसे महान भक्तों से कि हम भक्ति में लग सकें और भगवान की सेवा कर सकें और हमारा जीवन काल भगवान के सेवा में नियुक्त हो। तो कल का ऐसा रहेगा, एकादशी है तो हो सकता है कि एकादशी में सुबह से हम लोग का जपा चल रहा होगा, तो कल शाम के समय 4 बजे अगर निर्जल फास्टिंग होने के कारण शारीरिक तकलीफ ज्यादा रहा तो हम लोग थोड़ी देर ही चर्चा करके कैंसिल कर देंगे। मतलब 2 हाफ में नहीं करेंगे, शायद 1 हाफ में करेंगे, डिपेंड्स। अभी अभी बोलना मुश्किल है उसके बारे में क्योंकि कल फुल डे चैंटिंग और ऐसा सब रहेगा। तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जपा करें और ट्राई करें, और सब आईवीएस बॉयज से जितने भी काउंसलर्स गण हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा निर्जल ही ट्राई करें, और जिससे नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा जल पिए, नहीं तो सब फास्टिंग करें पूरी तरह से। और जिनको और सेफली करना है वो आज रात को पानी पी के सो सकते हैं, फिर सुबह उठ के पानी ना पिए, जिनको मतलब और सेफ करना है। तो डिपेंड्स आपके हर एक के जो पर्सनल इच्छा के ऊपर है। तो हमने जो है कल 2nd कैंटो का 8th चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट किया और आज 9वें अध्याय से हमें चर्चा प्रारंभ करना है। तो कल हमने सुना कि कैसे, मैंने आपको 4th श्लोक बताया था जो सबसे मुख्य श्लोक है हमारे आचार्य गण में, प्रभुपाद का भी मोस्ट कोटेड वर्स है, शुण्वता शब्द्या नित्यम गणंतश्च चेष्टिताम काले न नाति दीर्घे न भगवान विषते, कि कैसे हमें श्रवण करना चाहिए नित्य रूप से और उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। स्वचेष्टिताम कि हमें प्रभुपाद लिखते हैं सीरियसली बाय वंस एंडेवर, अपने स्वयं के प्रयास से गंभीरता से हमें करना चाहिए। तो ये चीज हमने सुना हुआ है कि हमें रोज भागवतम सुनना है और जो है इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सुनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हमने चर्चा किया और फिर देखा हमने 7 से 23 श्लोकों में जो प्रश्न पूछते हैं महाराज परीक्षित, और इन प्रश्नों का उत्तर अभी जो है 9वें अध्याय में भी है और आते हुए 3rd कैंटो 4th कैंटो सब जगह उनके प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेंगे। तो अभी हम जितना समय है शायद 10-15 मिनट ही बचा होगा, पर मैं आपको 9वें अध्याय का थोड़ा डिटेल्स आपको बता देता हूँ क्या है 9th चैप्टर में। तो पहले 3 श्लोकों में जो है उनका जो प्रश्न था सेवन जो 7th वर्स में है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि जीव को आध्यात्मिक है वास्तविक रूप में तो भौतिक शरीर को कैसे मिलता है, उसका जवाब जो है पहले दूसरे और तीसरे श्लोक में है। तो पहले दूसरे श्लोक में आता है कि वो माया के कारण जो जीव है वो अपने आप को शरीर समझता है, अहम और ममेति इस भावना से वो इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। और तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि लेकिन ये जो गलत भावना है उसकी धारणा है उससे निकलने के लिए जो है भक्ति मार्ग सबसे उत्तम है, अर्थात जो जीव भक्ति करेगा वो इस माया के प्रपंच से निकल के भगवत धाम जा सकता है। तो पहला 3 श्लोक वो हो गया। फिर 4थे से 8वें श्लोक में जो है ब्रह्मा और जो है कृष्ण भगवान का संवाद से पहले का जो है चर्चा होगा, जिसमें ब्रह्मा जी तप शब्द का ध्वनि सुनते हैं और उससे वो तपस्या करते हैं और तपस्या के फल स्वरूप जो है उनको जो है भगवान के दर्शन मिलते हैं, भगवान का जो है भागवतम सुनने को मिलता है। तो देखिए ब्रह्मा जी भागवतम सुनने वाले हैं और उनको भी तपस्या करना पड़ रहा है। तो हमारा तपस्या क्या है कि हम बाकी सब चीजों में समय ना दें, थोड़ा समय हम पाठ करने में दें, थोड़ा समय हम श्रवण करने में दें। तो ये जो हम तपस्या करेंगे तो उससे हमें भी हमारे जीवन में भी भागवतम का
हमें कृपा मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। फिर 9 से 18 श्लोकों में बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मास विजन ऑफ वैकुंठ, अर्थात 9 से 18 श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी को जो है वैकुंठ का जो है दर्शन मिलता है। क्योंकि अभी ब्रह्मा जी को पूरा सृष्टि का निर्माण करना है, तो ब्रह्मा जी को पहले बताते हैं भगवान कि भाई आप भौतिक जो है 14 लोक बनाने वाले हो, और उन 14 लोकों में अलग अलग जीव से आप पूरे 14 लोकों के जीवों से भर दोगे, पर आपको बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये सब जीव जो है भक्ति करके भगवत धाम आ सके, वैकुंठ आ सके। तो वैकुंठ का पूरा दर्शन है, जहाँ 9 और 10 श्लोक में वैकुंठ के महिमा का वर्णन है, 11 से 14 श्लोकों में वैकुंठ वासी जो रहते हैं उनका सौंदर्य का वर्णन है, और भगवान का सौंदर्य का 15 से 17 श्लोक में वर्णन है। फिर 19 से 24 श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं आप कोई भी वर मांगिए, और उसमें जो है सबसे मुख्य है 23-24 श्लोक, जिसमें बताते हैं तपस्या कितना महत्वपूर्ण है। ये वन ऑफ द मेरे फेवरेट श्लोकों में से है, 2.19.23 and 24, क्योंकि इस श्लोक में बताते हैं कि बिना तपस्या के, बिना ऑस्टेरिटी किए, बिना तकलीफ लिए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भौतिक जीवन में भी अगर आपको कुछ चाहिए तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अगर भौतिक जीवन में हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक जीवन में हमें कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कि हम बिना मेहनत किए जो है कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो श्लोक है वो बहुत जरूरी है। तो एक और भक्त का टिप्पणी आई है, अभी क्या है इसमें अलग अलग चर्चा हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो कल सुबह में आप गर्म पानी पीजिएगा तो शरीर के लिए वो अच्छा रहता है। गर्म पानी पीने से जो है आप पूरा लंबा समय फास्टिंग कर सकते हैं, और 2-3-4 बार आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने में कोई पाबंदी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा मुंह में पानी ना जाए, और स्नान कर सकते हैं 3-4 बार। और कृष्णा की कृपा है थोड़ा बरसात हो गया कल, नहीं तो हमेशा ये रहता है कि पांडव निर्जल एकादशी में अगर बरसात ना हो तो बहुत ही गर्म हो जाएगा। तो स्नान करिए, और देखिए सोने का सोते हुए समय बर्बाद ना करें कल का दिन में। ज्यादा से ज्यादा समय जप में, भागवत पढ़ने में, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम शरीर थक गया है, तो कम से कम श्रवण कर सकते हैं, हरि कथा लगा दें, और किसी भी भक्तगण का जो है हरि कथा आप सुन सकते हैं। तो कल का दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का जप करने का कोशिश करना चाहिए। यहाँ तक कि कई भक्तगण कल 128 राउंड्स भी कर रहे हैं, कई लोग हैं जो 192 राउंड्स करने का भी ट्राई कर रहे हैं, और 64 भी जिसको करना है कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा जपा कर सकते हैं। तो सभी भक्तों के ऊपर है कितना वो करना चाहेंगे। और कल कम से कम जो है, क्योंकि हम निर्जल कर रहे हैं तो किसी को फोन वोन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी क्लास के लिए हम लोग कनेक्ट होंगे, तो क्योंकि क्या है पूरा दिन जपा कर रहे हैं, थोड़ी हरी कथा भी कर लें तो ठीक है, वो कल शाम को ही मालूम चलेगा उसके बारे में। तो ये जो है 23 और 24 श्लोक जो है वर्णन आ रहा है कि कैसे 19-9 अध्याय का कि तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम उस श्लोक पर आएंगे तब हम और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और 25-30 जो है 5 श्लोकों में ब्रह्मा जी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस प्रश्नों का उत्तर है जो है स्वयं कृष्ण भगवान देने वाले हैं। और फिर 31-38 जो मेन है चतुश्लोकी भागवत जो उसके अंदर आता है, जिसमें प्रमुख श्लोक बताते हैं, और इस श्लोकों के हिसाब से पूरा भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। तो इसको जैसे हमने गीता में सुना है चतुश्लोकी गीता है, चतुश्लोकी गीता मतलब अगर आप पूरा गीता का सार जानना चाहते हैं तो 10th चैप्टर में वर्स नंबर 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 तो उसको चतुर्श्लोकी गीता बोलते हैं, अर्थात इस 4 श्लोकों में पूरा गीता का संक्षेप दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये चतुर्श्लोकी भागवत आ रहा है, तो ये 31-38 श्लोक में है।
और फिर जो है चतुश्लोकी जो भागवत ब्रह्मा जी ने श्रवण किया, वो ब्रह्मा जी जो है नारद को बोलते हैं कि आप उसका विस्तार करिए, और ब्रह्मा जी जो है नारद को बोलते हैं, और नारद जी वही व्यासदेव को बोलते हैं, और व्यासदेव के कारण हमें पूरा भागवतम मिला है जिसके कारण हम चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये पूरा संक्षेप में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है भागवतम का। तो अभी हम फर्स्ट श्लोक से चालू प्रारंभ करते हैं। तो ये पहले श्लोक में जैसे मैंने बताया, पहला दूसरा और तीसरा तीन श्लोकों में जो है वर्णन आ रहा है कि महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा था पिछले अध्याय में सातवें श्लोक में कि जीव जो है वो कैसे शरीर प्राप्त करता है, तो उसका वर्णन है। तो पहले श्लोक में बताया गया है कि प्रभुपद बता रहे हैं शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो प्रामाणिक नहीं है। ये माया के प्रपंच में आके जो है हम समझते हैं कि हम ये शरीर है। जैसे कोई द रिलेशन जस्ट लाइक ड्रीमर सीइंग हिज ओन बॉडी वर्किंग। अब देखिए अगर आप प्रभुपद लिख रहे हैं ये सीधा ट्रांसलेशन में है, प्रभुपद बता रहे हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो सोते समय आप अगर सपना देखे कि आप काम कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में आप काम नहीं कर रहे हैं, ये सपना है। तो उसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि स्वप्न दृष्टुर इवान जैसा, कि सपने में आप देख रहे काम कर रहे हैं तो वास्तविक में काम नहीं कर रहे, ये सपना है। तो माया के प्रपंच में माया के जाल में आकर जो अजीब है वो सोचता है मैं शरीर हूं, वास्तविक रूप में हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये स्पष्ट जो है ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि जब हमको भोग करने की इच्छा होती है तो हमें जो है ये स्वप्न का स्वरूप मिलता है। स्वप्न का स्वरूप किसको क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो है 60 साल का 70 साल का जीवन। वास्तविक रूप में हमारा जीवन क्या है, हमारा आध्यात्मिक जगत में जीवन है जहां पे जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है, वहां पे जीवन एटर्नल है, लाइफ हमेशा है वहां पे। तो उसके सामने 60 साल बोले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एटर्नल लाइफ के सामने 60 इयर्स कुछ नहीं है। तो वैसे ही 60 साल का अभी हम लोग जब जैसे इस शरीर में है तो जब हम सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, तो सपना देखने से हम सपने को बहुत जो है बहुत महत्वपूर्णता नहीं देते, क्यों, क्योंकि हम समझते हैं ये सपना है। तो वैसे ही जैसे अभी हम लोग सोते समय सपना देखते हैं तो सपने को महत्वपूर्ण नहीं मानते, वैसे आध्यात्मिक जगत में जैसा जीवन है उसके सामने 60 साल का सपना ही है, जिसमें कभी हमको राजा बनना पड़ेगा तो कभी जो है अलग अलग परिस्थिति में हमें जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक बच्चा चांद के लिए रोता है, तो बच्चा जब चांद के लिए रोता है रोता है रोता है माँ के सामने, तो माँ क्या करती है एक आईना उसके हाथ में दे देती है, बोलते ये ले ये चांद है, तो बच्चा खुश हो जाता है, बोलते हाँ ये चांद है और खेलता रहता है उससे। पर वास्तविक रूप में माँ के लिए संभव नहीं है उसको चांद देना। तो वैसे ही जो जीव है वो बोलता है मुझे भोग करना है भोग करना है भोग करना है, तो भोग करने के लिए भगवान बोलते हैं चले जाओ ये लो भौतिक जगत बना दिया है भोग करने की कोशिश करो। पर वास्तविक रूप में हम भोग नहीं कर सकते क्योंकि भोग करने वाले सिर्फ एक ही है, वो है कृष्ण भगवान। हमारा कार्य है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की सेवा करना। तो वैसे ही जो है बताते हैं कि जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तभी हम जो है आनंदित हो सकते हैं और हम उस कार्य से भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं। फिर दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि कैसे भौतिक जीव में कैसे भौतिक जगत में कैसे जीव फंसा हुआ है, क्योंकि वो हर एक चीज को सोचता है मैं और मेरा, मैं मतलब वो अपने आप को शरीर समझ रहा है और शरीर से जो भी संबंधित चीजें उसको लगता है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है। हमें लगता है ये घर मेरा है पर ये घर हमारा नहीं है, हम कुछ समय यहाँ रहेंगे और निकल जाएंगे 60 साल के बाद 70 साल के बाद, ये घर यही रहेगा। तो हम एक जो है बोलते हैं ना ट्रेवलर के समान है, जैसे कोई होटल में आके रह के जाता है, तो हम 60-70 साल के
रहने वाले हैं और यहाँ पे हम मैं मेरा करते रहते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि 84 लाख योनियां दिए गए हैं अलग अलग, जिससे आप आपकी जो जो इच्छाएं सब पूरी हो सकती हैं। तो ये जो है शास्त्रों में दिया गया है, शायद किसी पुराण में उसमें आता है या जो है वो कल हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, पर उसमें अलग अलग जितने भी जीव हैं उसके जितने भी 84 लाख स्पीशीज है, योनि है, उसका सबका वर्णन आ रहा है। बोलते हैं 9 लाख शरीर के जीव जो है जल में रहते हैं, तो इसका पूरा 84 लाख स्पीशीज जो है पूरा उसका डिविजन बताया गया है। तो जल जा नव लक्षानी, तो ये श्लोक का जो थोड़े बहुत लाइंस मुझे याद है वो बता रहा हूँ मैं। जल जा नव लक्षानी मतलब पानी के अंदर 9 लाख तरह के जीव रहते हैं। स्थावर लक्ष्य विमर्शति अर्थात पेड़ पौधे जो घास या जो भी आप बोले तो वो सब 20 लाख हैं। और फिर बता देता 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पंछी हैं, 30 लाख तरह के जानवर हैं और अंत में 4 लाख मनुष्य योनियों का वर्णन है। तो ऐसे पूरा जो हिसाब करेंगे तो 84 लाख होते हैं। तो ये 84 लाख योनियों का वर्णन है। तो एंटिटी डिजायरिंग टू गेट अ बॉडी, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपको देवता का शरीर चाहिए, जानवर का शरीर चाहिए या आपको आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान का संग करना है तो वो भी आपको मिल सकता है। आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए, तो जैसी आपकी इच्छा होगी तो उसके हिसाब से आपको शरीर मिल सकता है अगले जन्म में। सो द माइन्यूट फ्रीडम ऑफ द लिविंग एंटिटी कैन फुली बी यूटिलाइज्ड एंड लॉर्ड इज सो काइंड दैट ही विल अवॉर्ड द लिविंग एंटिटी द सेम टाइम बॉडी डिजायर्स। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी हम लोग समय हो गया है, कल मिलते हैं 4 बजे एकादशी के लिए, सब लोग फास्टिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल।